Myself Kritika Sharma, welcome to my channel. Students, हमने 12th class का first chapter start किया था, जो कि था solid state. ठीक है, solid state में हमने क्या किया? उसके characteristic किए, ठीक है? Types किए solids के, classification की, crystalline solids की, वो space में हमारे चारों कैसे exist करता है, उसके बारे में study किया, और वो packing कैसे होती है? क्या वो पूरा प्रॉपर क्लोजली पैक है ऐसे या कुछ स्पेस रह जाता है उनके बीच में, वो क्या जिन्हें हम वॉइड बोलते हैं. फिर हमने रेडियस रेशियो के बारे में पढ़ा, आयंस भी होते हैं, आयन सॉलिड्स आयनिक सॉलिड्स पढ़ा था, तो आयंस की रेडियस रेशियो के बारे में पढ़ा, रेडियस रेशियो क्या होती है. पैकिंग एफिशिएंसी पढ़ा था, किसकी ज़्यादा है किसकी कम है. ठीक है, तो ये सब कुछ हमने लास्ट 3 क्लासेस में पढ़ा, बट उससे रिलेटेड अब हम कुछ न्यूमेरिकल पढ़ने वाले हैं. ठीक है, तो फर्स्ट हम जो न्यूमेरिकल करने वाले हैं वो वॉइड से रिलेटेड है. तो आपका फर्स्ट एग्जांपल है कि एक कंपाउंड, माना ये कंपाउंड है कोई. ठीक है, इट्स फॉर्म बाय टू एलिमेंट, इसमें दो चीजें डली हुई हैं. ठीक है, तो एक्स एंड वाई. ठीक है, दो चीजें डली है, एक्स एंड वाई. ठीक है, तो एटम ऑफ द एलिमेंट ऑफ ए वाई मेक्स सीसीपी. जो एलिमेंट वाई का है वो क्या बनाता है? सीसीपी. सीसीपी क्या होता है? हमने अभी स्टडी किया था क्यूबिक क्लोज पैकिंग. ठीक है, एंड दोस ऑफ एलिमेंट एक्स. ठीक है, एक होता है वाई है, वो सीसीपी ऑक्यूपाई करता है. जो एक्स है, सेकंड है, वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई करता है. ठीक है, व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड. ठीक है, माना ये किसी एलिमेंट है, दो चीजें डली एक्स एंड वाई, उससे वो कंपाउंड बना. ठीक है, उसका फॉर्मूला क्या है? क्या वो सेम है? क्या इक्वल क्वांटिटी में है? क्या वो एक ज्यादा है एक कम है? क्या है वो, उसके बारे में हम इस न्यूमेरिकल में निकालेंगे. ठीक है, तो फर्स्ट हम क्या मानेंगे, लेट द एटम ऑफ एलिमेंट किसमें, एक्स एलिमेंट इन सीसीपी. ठीक है, सीसीपी में हमने मान लिया एन मान लिया. ठीक है, तो हमें बोला है जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है वो किसके इक्वल है, सीसीपी अरेंजमेंट के बराबर. ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा आता है, अगर ये इक्वल है तो जितना आपका सीसीपी है उतना ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगा. ठीक है, सिंस क्या सिंस माना है, सिंस ऑक्टाहेड्रल वॉइड. ठीक है, इक्वल है तो कितना आ गया एन, तो एटम ऑफ ए एलिमेंट एक्स का वाई का कितना, एक्स का ही आ गया ना, एटम ऑफ द एक्स एन सी सी पी. फिर आया आपका, तो आपने जब इक्वल है ऑक्टाहेड्रल वॉइड का, देन एटम ऑफ एक्स का कितना आया एन. ठीक है, क्योंकि वो इक्वल है ना ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल, तो रेशियो जो बनी आपकी वो बनी एक्स इज टू वाई, मीन एन रेशियो एन. और क्या बना इसका, वन. ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या बना, तो रेशियो बराबर है तो क्या आ जाएगा फॉर्मूला, मतलब एक्स भी सेम है y भी सेम है. ठीक है, माना एक ये है तो इतना ही दूसरा कंपाउंड है, x इतना है इतना ही y है. ठीक है, तो ये तो न्यूमेरिकल से समझ आ गया, पता लग गया हमें. इससे क्या समझ आया, इस न्यूमेरिकल से, इस न्यूमेरिकल से समझ आया कि जो दो का एलिमेंट है उनको निकालना हो कि दूसरा एलिमेंट कितना दिया है क्या है, तो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं. स्टूडेंट, जरूरी नहीं है जो मैं न्यूमेरिकल करा रही हूँ कि यही आपको एग्जाम में आ जाए, बट आपको कुछ पता होगा तो इसके थ्रू आप और न्यूमेरिकल निकाल सकते हो. वैसे तो हमने कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ा है, तो न्यूमेरिकल भी उससे रिलेटेड आएंगे. ठीक है, तो ये था वॉइड्स के बारे में. अब नेक्स्ट करेंगे हम रेडियस रेशियो. रेडियस रेशियो के बारे में हमने पढ़ा ना, क्या होती है रेडियस रेशियो, तो वही स्टडी करेंगे कि रेडियस रेशियो होती क्या है. रेडियस रेशियो होता क्या है, रेडियस रेशियो होती है आयनिक सॉलिड्स. आयनिक सॉलिड्स में क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है. ठीक है, तो हमने रेडियस रेशियो निकाली, किसी एक कंपाउंड दिया है हमारे पास उसकी रेडियस रेशियो निकालिए, तो सबसे पहले हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए कि रेडियस रेशियो का फॉर्मूला क्या है. तो रेडियस रेशियो का फॉर्मूला होता है हमारा, रेडियस
रेशियो का फॉर्मूला है हमारा रेडियस ऑफ कैटायन, ठीक है, अपॉन क्या आ जाएगा, हमने किया था रेडियस ऑफ एनायन, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या है बोलता है क्वेश्चन, प्रिडिक्ट द स्ट्रक्चर ऑफ ए MgO। हमने प्रिडिक्ट करना है किसका स्ट्रक्चर, MgO का स्ट्रक्चर क्या होता है, उसकी संरचना, ठीक है, क्रिस्टल एंड कोऑर्डिनेशन नंबर, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी निकालना है, ठीक है, ऑफ द कैटायन इन विच द रेडियाई ऑफ द कैटायन एंड एनायन आर, रेडियस दी है, अब हमने क्या निकालना है, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर और इसका स्ट्रक्चर कैसे हो सकता है, ठीक है। तो हम रेडियस रेशियो निकालेंगे, हमें दी हुई है 65 आर 140 पीएम, ठीक है। तो क्या आ जाएगी हमारी रेडियस रेशियो, MgO की निकालनी है ना आपने, क्या निकालनी है, रेडियस रेशियो, तो आ जाएगा आपका 65 अपॉन 140, ठीक है, पीएम से पीएम कट जाएगा तो आपकी वैल्यू आई 0.464, ठीक है, ये इसकी वैल्यू आई। अब देखो ये कहाँ लाई करती है, हमने पढ़ा था कि 414 मतलब 0732 इसके बीच में जो वैल्यू होती है, ठीक है, तो वो कौन से आते हैं, वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कैसा हो सकता है, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 6, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में भी पढ़ा था कि जो ये एटम है इसके चारों ओर कितने और अटैच हो सकते हैं, ठीक है, तो वो कोऑर्डिनेशन नंबर आया। इस रेंज के बीच में जिसका रेडियस रेशियो आता है वो कौन कैसे हुए, ऑक्टाहीड्रल्स, ठीक है, तो जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर आया 6, ठीक है, तो ये हमने निकाल लिया। अब नेक्स्ट करते हैं, हम क्या करेंगे, हम नेक्स्ट हम करेंगे कि वो पैक्ड कैसे हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। हमने पढ़ा था पैकिंग एसेंसी क्या होती है, कि कोई भी चीज किसी के साथ कैसे अटैच है, ठीक है, तो उसी के बारे में हम कुछ क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिल्वर मैटर क्रिस्टलाइज, सिल्वर का क्या है, क्रिस्टलाइज है, ठीक है, इन CCP, CCP क्या होता है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग, किसके है, सिल्वर के, अरेंजमेंट विद द एजेस ऑफ ए यूनिट सेल, अरेंजमेंट कैसे है, एजेस में, ठीक है, हैविंग द लेंथ, जिसकी लेंथ है 407 PM, तो क्या निकालना है आपको, इसका निकालना है रेडियस ऑफ ए सिल्वर एटम, ठीक है, तो कैसे निकालोगे, ठीक है, जैसे ये आपको स्ट्रक्चर में शो हो रहा है, ये क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर है, इसका लेंथ दी है, एजेस लेंथ दी है, ठीक है, क्या है 407, एजेस लेंथ है 407, ठीक है। तो आपको पता है जब फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, जब आप ट्राइगनल ट्राइंगल है, ठीक है, ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या अप्लाई होता है, जो उसकी बड़ी वाली लाइन होती है वो इक्वल होती है दूसरी दो लाइन्स की, तो फॉर्मूला बनेगा आपका BC² इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू किसके आ गया, AB² प्लस BAC², ठीक है, बना ना। तो आपको पता है रेडियस जो होता है इधर से इधर तक कितना है, सेंटर से R, और इधर का भी R, इधर का भी R, तो इस सर्कल का रेडियस कितना बना 2R, और इस सर्कल का R, तो टोटल ये कितना हुआ, इसका BC की लेंथ कितनी हुई 4R², ठीक है, इक्वल टू AB कितना है A² हम वैल्यूज इसके बाद में पुट करेंगे A² ठीक है, तो ये कितना आया 16R², ठीक है, और क्या बना 2A², ठीक है। हमने क्या निकालना है, हमने रेडियस निकालना है, ठीक है, तो R² इक्वल टू 2A² अपॉन 16, यहां से कट जाएगा 8, तो क्या बना आपका A² अपॉन 8, तो इसको सॉल्व करके आया आपके पास R इक्वल टू A 2 अपॉन 2√2, ठीक है। इसमें आप क्या करोगे, वैल्यूज पुट करोगे किसकी, A की दी हुई है हमारे पास 407, ठीक है, 407 अपॉन 2√2, ठीक है, इसको सॉल्व करके क्या आया आपके 143.9 PM, ठीक है, कितना है इसका रेडियस रेशियो 143 PM,
9.9 PM किसका आया? सीसीपी की अरेंजमेंट, किसमें? सिल्वर की सीसीपी अरेंजमेंट के आगे। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो आता है आपका सोडियम क्रिस्टलाइन, सोडियम के क्रिस्टलाइन इन बीसीसी। बीसीसी में हमें पता है बॉडी सेंटर क्यूब, ठीक है। कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट करना है? अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ यूनिट सेल। क्या निकल रहा है? अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ यूनिट सेल किसमें? 9.2 ग्राम ऑफ ए सोडियम। 9.2 ग्राम सोडियम में कितने यूनिट सेल होते हैं? एटॉमिक मास आपको पता है सोडियम का कितना होता है? 23, ठीक है। तो नंबर ऑफ एटम इन बीसीसी यूनिट सेल हमने कैलकुलेट किया था, कितना होता है? 2, ठीक है। तो कितने 9.2 में कितने आए? नंबर ऑफ एटम इन 9.2 ग्राम सोडियम क्या आ जाएगा? ऑफ सोडियम, ठीक है, अपॉन क्या आएगा आपका? ठीक है, मास ऑफ सोडियम आ गया, ठीक है, आपका ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है, ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है, इनटू एंड नॉट क्या है? एवोगाड्रो नंबर, ठीक है। तो मास ऑफ सोडियम कितना है? 9.2 ग्राम। एंड ग्राम एटॉमिक मास कितना है? कितना दिया है? 23 ग्राम पर मोल, ठीक है, इनटू क्या आएगा? 6.022 इनटू 10^23। इसको कैलकुलेट करके आया 2.408 इनटू 10^23। ये आ गया, ये तो क्या आया? नंबर ऑफ एटम इन 9.2 ग्राम ऑफ सोडियम, ठीक है। तो अब आपको क्या निकालना है? नंबर ऑफ यूनिट सेल निकालना है, ओके। नंबर ऑफ यूनिट सेल कैसे निकालोगे? अभी क्या निकाला हमने? नंबर ऑफ एटम निकाला ना, अपॉन कितने है? 2 यूनिट, कितने में? यूनिट सेल में, ठीक है। सॉल्व कर लोगे आप, वैल्यू पुट करो 2.408 टू 10^23, 2 यूनिट है, कितने में? यूनिट सेल में, ठीक है, यूनिट सेल में। तो आपकी वैल्यू इसको कैलकुलेट करके ही आएगी 1.2044 × 10^23, ठीक है। ये आपकी इसकी वैल्यू आगी, ये निकाला आपने, क्या निकाला आपने? सोडियम क्रिस्टलाइन किस में? बीसीसी में, कितने ग्राम में? 9.2 ग्राम में सोडियम में, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन थी, आप अच्छे से नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। फिर हमने लास्ट क्लास में क्या किया था? लास्ट क्लास में क्या था? पैकिंग होगी, क्लोज पैकिंग होगी। उसके बाद अगर पैकिंग सब हर क्रिस्टल की डिफरेंट है, हर सॉलिड की डिफरेंट है, बीसीसी की डिफरेंट है, एफसीसी की डिफरेंट है, सिंपल क्यूबिक की डिफरेंट है, तो उसकी डेंसिटी भी ऑफकोर्स डिफरेंट होगी। डेंसिटी क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो अब हम उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल, डेंसिटी आई आपकी इक्वल टू, डेंसिटी का सिंबल क्या है? रो। इक्वल कितने है? जेड इंटू एम अपॉन ए का क्यूब इंटू एंड नॉट इंटू 10^-30, ठीक है। तो जेड की वैल्यू आई आपकी, क्या होता है जेड? जेड होता है आपका नंबर ऑफ ए पार्टिकल यूनिट सेल, ठीक है। एम क्या होता है? एटॉमिक मास। एलिमेंट हो तो एलिमेंट, कंपाउंड का पूछो तो कंपाउंड का। ए क्यूब क्या है? ए तो हमें पता है क्या होता है? एजिस लेंथ, ठीक है, एजिस लेंथ ए इंटू 10^-10 cm। तो ए क्यूब क्या है? ए क्यूब है वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, ठीक है, इक्वल टू ए इंटू 10^-10 cm का क्यूब, ठीक है। ऐसे आपके आ गया वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। तो ये था डेंसिटी का फॉर्मूला। अब इससे रिलेटेड हम कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। आपका डेंसिटी ऑफ ए लेड,
किसकी डेंसिटी? लेड की, ऑलरेडी दी है तो हमें निकालना क्या है. ठीक है, तो डेंसिटी पहले देख लेते हैं कितनी है, 11.35 ग्राम सेंटीमीटर पर क्यूब. ठीक है, क्या निकालना, किसमें है डेंसिटी, एफसीसी यूनिट सेल में. ठीक है, अब यूनिट सेल भी बता दिया है, एफसीसी है, तो निकालना क्या है, निकालना है आपको एस्टिमेट रेडियस ऑफ लेड एटम. किसका रेडियस निकाला है, लेड एटम का. तो कैसे निकालोगे, तो क्या करोगे, इसको दो स्टेप में करोगे. पहले आपको एजेस लेंथ निकालनी पड़ेगी ना, तो स्टेप वन क्या बोलता है आपका, देखते हैं. स्टेप वन में आपको डेंसिटी दी हुई है तो क्या निकालना है, फॉर्मूला आपका डेंसिटी वाला ही लगेगा. ठीक है, इक्वल टू जेड इंटू एम अपॉन, ठीक है, क्या वैल्यू है, ए का क्यूब इंटू एन नॉट इंटू 10^-5. ये फॉर्मूला है. तो आपको दिया क्या है, डेंसिटी दी है बट एरिया नहीं दिया है, वो निकालना है. तो आप कैसे सॉल्व करोगे, अगर हमारे पास सारी वैल्यूज दी हो और एक वैल्यू नहीं दी हो तो आप कैसे निकालोगे. तो आप निकालते हो, इजीली निकाल लेते हो, कैसे, तो इस साइड ए क्यूब आ जाएगा, इधर आपकी वैल्यू सेम रहेगी. ठीक है, यहाँ रो इंटू एन नॉट. ठीक है, अब वैल्यूज भर देंगे, एफसीसी यूनिट है, नंबर ऑफ ए पार्टिकल, तो जेड कितना आ जाएगा आपका 4, और मोलर मास किसका है, लेड का निकालना है. कितना आ गया आपके पास, 207 ग्राम पर मोल. ठीक है, फिर क्या दिया है, एन नॉट तो आपको पता ही है क्या होता है, 6.022, 10^23. ठीक है, अब कौन सी वैल्यू रहेगी, डेंसिटी कितनी दी है, 35 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब. वैल्यूज तो सारी दी है, तो किसका वेट कर रहे हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं, ए का क्यूब इक्वल टू जेड कितना है 4, मोलर मास कितना है 207 ग्राम पर मोल, डेंसिटी कितनी आ गई आपकी. ठीक है, फिर ए क्यूब इक्वल टू 4 × 207 ग्राम पर मोल. अब किसकी वैल्यू भरनी है, हमने रो की दी है 11.35 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब इंटू किसकी वैल्यू है, एन नॉट की. ठीक है, 6.022 × 10^20. अब इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देती हूँ, 121 × 6 PM का क्यूब. ठीक है, तो हम क्यूब की वैल्यू उधर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा आपका, 121 × 10^6 PM का क्यूब ब्रैकेट क्लोज हाफ. ठीक है, क्यूब 1/3. ठीक है, इसको सॉल्व करके क्या आया, 495 × 10^2 इक्वल टू 495 PM. ठीक है, ये आ गया आपकी किसकी, ए की वैल्यू. ठीक है, अब स्टेप टू में क्या करोगे, हमें बोला है रेडियस किसकी निकालने की, लेड की. तो कैसे निकालोगे आप स्टेप टू में, ठीक है, वैल्यू पुट करोगे रेडियस की, ए की किसमें, रेडियस में. इसका फॉर्मूला होता है √2/2 ए. ठीक है, हमें ए की वैल्यू दी हुई है, √2 की वैल्यू क्या होती है, √2 की वैल्यू होती है 1.414/2. ए की वैल्यू आप पुट करोगे 495, यू आई 349.9 PM. इजी था, डायरेक्ट क्वेश्चन था, एक क्यूब की वैल्यू निकाली. ठीक है, घबराना नहीं, जब इस टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा, बहुत इजी है. रो की डेंसिटी की वैल्यू दी है,
आपके पास एजेस लेंथ नहीं दी है, तो आपने फर्स्ट किया कि एजेस लेंथ निकाली जो आई आपकी 495 PM। फिर आपने क्या निकाला, आर की वैल्यू निकाल दी फॉर्म ऑफ पुट करके। ठीक है, तो ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, डेंसिटी ऑफ लिथियम कितनी दी है, 0.53 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, एजेस लेंथ कितनी दी है आपके पास, 3.5 एंगस्ट्रॉम। निकालना क्या है, फाइन नंबर ऑफ लिथियम एटम यूनिट सेल। ठीक है, लिथियम एटम कितने हैं यूनिट सेल में। ठीक है, और इसकी वैल्यू एन नॉट की वैल्यू दी है, आपके पास एटॉमिक मास की वैल्यू दी है। ठीक है, निकालना क्या है आपको, कितने यूनिट सेल हैं। ठीक है, तो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है जेड इंटू एम अपॉन ए का क्यूब इंटू 10^-30। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, z की, तो z एक साइड रखेंगे और दूसरी साइड वैल्यूज को ले जाएंगे सारी। तो z आ गया आपके पास a का क्यूब इंटू n नॉट इंटू 10^-30 इंटू रो अपॉन क्या आ गया आपका m। ठीक है, अब वैल्यूज पुट करेंगे, अभी पहले देखेंगे z तो निकालना है, डेंसिटी कितनी दी है आपके पास, 0.53 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, और एजेस लेंथ कितनी दी है, a कितना दिया है, 3.5 एंगस्ट्रॉम। अब एंगस्ट्रॉम दिया है, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको किसमें, सेंटीमीटर में, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 3.5 माइनस 8 सेंटीमीटर। एरिया कितना है, ए क्यूब 3.5 × 10^-8 क्यूब सेंटीमीटर क्यूब। ये तो आ गया आपकी ए की वैल्यू, आप किसकी निकाले, एन नॉट की तो दी है आपके पास, कितनी दी है, 6.023 × 10^23 per mole। ठीक है, फिर एटॉमिक मास भी दिया है आपके पास, कितना है, 6.94 ग्राम पर मोल। ठीक है, अब सब चीजों की वैल्यूज मिल गई, अब हम वैल्यू पुट कर देंगे डायरेक्ट z। ठीक है, a क्यूब क्या है आपके पास, 3.5 × 10^-8 का क्यूब सेंटीमीटर क्यूब इंटू m नॉट की वैल्यू 6.023, ब्रैकेट में लिख लेंगे हम इनको, 10^23। ठीक है, क्या आया, मो पर मोल इंटू रो की वैल्यू, डेंसिटी की वैल्यू 0.53 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अपॉन, ठीक है, अपॉन क्या है, मोलर मास 6.94 ग्राम पर मोल। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कीजिए, ठीक है, वीडियो को पॉज कीजिए और फिर आंसर बताइए मुझे। ठीक है, खुद चेक कीजिए, अभी मैं आपको आंसर बता देती हूँ। अभी इसका आंसर आया आपका z की वैल्यू 2। ठीक है, 2 मतलब किस टाइप का यूनिट सेल है, ये है आपका BCC बॉडी सेंटर यूनिट सेल, क्योंकि उसमें कितने होते हैं, 2 पार्टिकल्स कितने होते हैं, 2, तो ये BCC है। ठीक है, इस टाइप के बहुत इजी न्यूमेरिकल्स आते हैं आपको। ठीक है, तो आप अपने अच्छे से कीजिएगा। ठीक है, अगर इस और भी क्वेश्चन करने होंगे आप तुम तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो कमेंट बॉक्स में, और मैं आपको और भी न्यूमेरिकल करवा सकती हूँ। ठीक है, थैंक यू, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।